नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जन्माष्टमी के 6 दिन के बाद श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इसी क्रम में नवजागृति महिला मंडल के द्वारा कृष्ण जी की छठी का पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि नवजागृति महिला मंडल के द्वारा छठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी सखियां सच धज कर विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवा के पीले रंग के वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार किया और माखन मिश्री का भोग लगाते हुए भगवान का नामकरण भी किया। श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल ठाकुर जी का नाम माधव नंदलाला देवकी नंदन नाम रखे गए। सभी सखियां उल्लास के माहौल में नजर आईं। भजन कीर्तन छठ गीत और मल्हारों की जमकर बारिश हुई। महिलाएं एक से बढ़कर एक भजनों से समा बांध कर ठुमके लगाते हुए नजर आईं। महिलाओं के चेहरे पर छठ की मस्ती का पर्व चढ़ा देखा गया। नवजागृति महिला मंडल के सदस्य मालती जाट ने बताया कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनकी छठी नहीं हो पाई थी, तब यशोदा ने 364 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजन किया और तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी। इतना ही नहीं, तभी से बच्चों की भी छठी की परंपरा शुरू हो गई। इस बीच अनुपमा चौरसिया, मालती जाट, सुमन तिवारी, आकांक्षा साहू, बबली चक्रवर्ती, ममता हेडाऊ, बबीता यादव, रजनी झारिया, रंजना जाट, चंदा बर्वे, कविता महाजन सहित सभी महिलाएं उपस्थित रहीं। मैं मालती जाट हूं, पुंजिया से, नवजागृति महिला मंडल से। हम लोग ने सबसे पहले रामायण मंडली बनाई है 1998 में, तब से हम लोग रामायण कर रहे हैं। अब हमारा रामायण का पाठ चलता रहता है हमेशा। हम लोग सब सखियां मिलके करते हैं और बहुत खुश और बहुत आनंद के साथ करते हैं। और अब कृष्ण भगवान की लीला तो बता दी हमारी सखियों ने, अब हम क्या बताएं। कृष्ण भगवान का प्रेम ही ऐसा है कि वो सबको जोड़ के रखे हैं। कृष्ण का जन्म हुआ नंद के घराने में, नाम बदनाम हुए माखन के खाने में, नाम बदनाम हुए माखन के खाने में। कृष्ण का जन्म हुआ नंद के घराने में, नाम बदनाम हुए माखन के खाने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता यादव है। बताइए कृष्ण जी के बारे में। कृष्ण जी ने हम लोग को एक ही सीख दी है कि कर्म ही पूजा है, कर्म अच्छा करो उसका फल अच्छा निकलता है। मैं आकांक्षा साहू बिंझिया चौराहा मंडला से हूँ। कंस का बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप का अवतार लेकर इस धरती पर आए और कंस का विध्वंस करके मथुरा वासियों को पाप मुक्त कराया। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी हम सभी लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं। क्या लीलाएं हैं कृष्ण जी की? कृष्ण भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं, जैसे गोपियों के साथ उन्होंने रास रचाया है ना, और गोवर्धन पर्वत उठाया, और बहुत सी लीलाएं हैं, उनका तो वर्णन करना ही मुश्किल है। क्या नाम है आपका? अनुपमा चौरसिया। हम लोगों ने मोहल्ले की सब सखियों ने मिलके रामायण बीसी ग्रुप बनाया है, उसी के तहत हम आज ये प्रोग्राम रखे जन्माष्टमी का। क्या क्या प्रोग्राम हुआ? आज भजन कीर्तन हुआ है, झूले पड़े हैं, झांकियां सजी हैं, सब महिलाएं सज्जस कर आई हैं, राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई है, अभी दही हांडी फोड़ी जाएगी। कृष्ण जी ने अपने जीवन में बहुत लीलाएं की हैं, गोकुल में उन्होंने गहुएं चराए हैं, बंसी बजाई है, सखियों के चीर चुराया है, ब्रज में गए हैं, वहां पर ब्रजवासियों की आफत आई है इंद्र देवता के कारण, उन्होंने गिरि पर्वत को छिंगली में उठाया है, वृंदावन जाके रास रचाया है। कृष्ण की बहुत लीलाएं हैं, उन्होंने पूरी जगत में प्रेम का संदेश दिया है। गोकुल जिनका वास है, गोपियों संग रचाते रास है, देवकी यशोदा के छैया है, ऐसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया है। बोलो राधे राधे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की।